हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Edit। तो गैस कैसे हो आप लोग? बड़ी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे गैस। तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गैस एक और राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग है। जो आज का स्टेटस है गैस, वो हमने यार इस सॉन्ग पे ऊपर एक रील्स अपलोड किया था शादी का। उस पर क्या गैस, मतलब वो वीडियो हमारी वायरल हो गई थी। उस वीडियो पे गए हमारे 5 लाख से भी ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ गए इंस्टा के ऊपर, ठीक है गैस। तो बहुत सारे लोग यार वहाँ पे कमेंट कर रहे थे हमारे को, यार इस सॉन्ग पे स्टेटस वीडियो लेके आओ गैस, ठीक है। तो जो आज का वीडियो गए उसी सॉन्ग पे होने वाला है। कौन सा सॉन्ग है गैस? तो सबसे पहले गए आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। उससे पहले गए आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला है गैस, वो जल्दी से चल के देख लेते हैं। इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गैस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गैस, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल ना आपका नंबर भी आएगा गैस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गैस, ठीक है। चलो गैस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखेगा, तो है गाइस ये स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस आपको, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो तो ये 4 स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो गाइस ये 4 स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये 4 स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है इसकी नंबर कैसे आता है, ठीक है। तो चलो गाइस अब बिना डरे के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं गाइस। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़े, अलर्ट मोशन की। अगर आपको अलर्ट मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाना और यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च कर लेना, यहाँ पे इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना MS Edit है, तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। इस वाले चैनल पर हमने यहाँ पे अलर्ट मोशन का लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या गाइस, सबसे पहले आपको अलर्ट मशीन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और ये 2 प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना। बिटमार्क प्रोजेक्ट रहेगा पहला और दूसरा रहेगा इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गाइस। अब आपको करना क्या गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप डायरेक्टली बैक आ जाओ और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये फर्स्ट वाली फोटो इस पर क्लिक करके प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर दो गाइस, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। तो ये लेयर यहाँ पे आ जाएगा, दे फोटो यहाँ पे आ गई। अभी इस फोटो को क्या करना गाइस, यहाँ तक रखना जहाँ तक आपके लिरिक्स आ रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। इस बिटमार्क तक लिरिक्स आ रहे हैं, यहाँ तक आ जाना और इसी फोटो पे क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, फोटो हमारी यहाँ तक आ जाएगी। अब इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा हमारे को, तो इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, दबा के रखना, स्क्रॉल करके आपको सबसे जो नीचे ले आना सॉन्ग के जस्ट ऊपर ला के इसको शेड कर दो गाइस, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आपको करना क्या गाइस, इसी फोटो ये ऊपर इसके जस्ट ऊपर आपको एक लेयर दिख रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना, इफेक्ट पर क्लिक कर देना गाइस। और ये इफेक्ट रहेगा गाइस, ये देखिए जो लगा हुआ इफेक्ट, तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ना इसको देखिए गाइस, जो अभी 0-0 है इसको बढ़ा देना इतना, ठीक है, इतना बढ़ा दो गाइस, ठीक है। कितना बढ़ाना है यहाँ पे देखिए गाइस, 500 कर लो, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हो गया, इतना कर लेना गाइस, देखिए सॉरी गाइस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आपको 500 कर लेना, ठीक है। 500 देखिए, और कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना कर लो 500, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना, यहाँ तक हम आपका कंप्लीट। अभी देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से आ रहा है। लिरिक्स का आपको फ़ॉन्ट चेंज करना, लिरिक्स पर क्लिक करना, WX पर क्लिक करना, ऊपर जाना और ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना गाइस। इस वाले फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना। और ये जितने भी लिरिक्स हैं इनका आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर खाली जगह, तो यहाँ पर बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड करना, उसके बाद ना जाना इस बिटमार्क पर, ठीक है। यहाँ पे आपको करने का गाइस ये वाला देखिए गाइस, ये वाला लेयर इसके अंदर अपन को फोटो ऐड करना होगा, ये वाला लेयर इस पर क्लिक कर देना। उसके अंदर कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना, स्टार वाला आइकन पर क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो है। तो यहाँ से पहले तो मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, कहाँ पर हमारा फोटो जल्दी से देख लेता हूँ। तो ये रहा गाइस फोटो, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये वाला फोटो चाहिए आपको तो ये मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना गाइस।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा गाइस इसके अंदर इफेक्ट, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है। उसके बाद आगे आने यहाँ पे खाली जगह मिलेगी, तो यहाँ पे भी आपको बिटमार्क के हिसाब से फोटो एड कर लेना और उसके बाद इस बिटमार्क पे आ जाना आपको 16.27 सेकंड पे आना। यहाँ पे देखिएगा इस करना क्या गाइस आपको, ये वाला लेयर इसके अंदर फोटो एड करना, ये वाला लेयर इसके अंदर फोटो एड करना। तो देखिए फर्स्ट वाला लेयर इस पर क्लिक कर देना, उसके अंदर कलर एंड फिल पर क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पर क्लिक कर देना गाइस। अब यहाँ पे गाइस एक लड़के की फ़ोटो एड करना होगा हमको यहाँ पे, तो यहाँ से पहले तो फोल्डर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और ये वाली मेरे फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो बैकग्राउंड के अंदर तो फोटो आ गई गाइस हमारी। अब जो इसको ऊपर वाला लेयर है इसके अंदर हमारे को लड़की की फोटो ऐड करना, तो इस वाले लेयर पर क्लिक करना, उसके अंदर कलर एंड फिल पर क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पर क्लिक कर देना। इस बार हम गाइस जो भी फोटो आपको अच्छी लगेगा इसको फोटो ऐड कर लीजिए। चलो हम यही फोटो ऐड कर लेते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगी, जो आपको दिखा देता हूँ अभी, देख सकते हो गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे दो लेयर ऑफ और रहेंगे, ये वाले ये ऑफ रहेंगे, इनको ऑन कर दो पहले कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर आगे आना और आगे एक ये वाला लेयर दिख रहा होगा, इसके अंदर फोटो ऐड करना है, तो इसके इस वाले लेयर पे आपको क्लिक कर देना फिर से, और कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, और स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। सेम यही फोटो हम फिर से ऐड करने वाले हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी गाइस, जो कि एकदम यूनिक इफेक्ट है गाइस, जो कि बहुत ही शानदार गाइस इफेक्ट है, इस प्रकार से आएगा गाइस, जो देख सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ तक हम आपका कंप्लीट हो गए। उसके अंदर फिर आगे आना, आगे फिर से आपको खाली जगह मिलेगी, तो यहाँ पे आपको बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड कर लेना एंड तक। अब जाकर जाएगा इस खाली जगह ना, वहाँ पर आप हमको फोटो ऐड करना बिटमार्क के हिसाब से, तो वो मैं एक फोटो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना। तो सबसे पहले इस बिटमार्क पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है। फोटो ऐड करने के लिए फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिटमार्क पे जाना, पीछे का एस्टी पार्ट काटना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, पीछे का एस्टी पार्ट कट जाए। इसी प्रकार से गाइस आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना, जहाँ जहाँ खाली जगह गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं सारी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने बिटमार्क के हिसाब से यहाँ पे सारी फोटो ऐड कर ली गई, आपको भी कुछ इसी प्रकार से फोटो ऐड कर लेना गाइस। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना गाइस, तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली आ रही है, अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको बैक आना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना, और जो सेकंड नंबर वाली फोटो है इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिटमार्क पे, 5 सेकंड पे आना, और यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, उसके अंदर इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर हम थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कि इस प्रकार से आ रहा है। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, टाइमिंग देख लो गाइस, 5 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट यहाँ तक लगा देना, यहाँ तक जितनी फोटो है इस बिटमार्क तक। ठीक है, 9.24 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो है सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस सारी फोटो के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, और यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड करना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद आ गया ना, यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, अब आपको आ जाना इस बिटमार्क पे 12 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाली फोटो गाइस, अभी इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको फिर से बेक आना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना, और इस बार आपको तीन नंबर वाली फोटो, फोटो पर क्लिक करना, उसका इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद ना आपको आ जाना गाइस इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आ जाना आपको 12 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, उसके अंदर इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया गाइस। लेकिन अभी यार गाइस ये इफेक्ट के अंदर देखिए गाइस ये फोटो एकदम अच्छे से नहीं दिख रही, तो इस फोटो के अंदर हमारे को बॉर्डर लगाना होगा, तो इसी फोटो फिर से क्लिक करना, बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करना, और जो स्टोक है इसको ऑन कर देना। ऑन करने के गाइस बाद में आपको क्या करना, अभी 4 है ना, तो इसको क्या करना आपको इस प्रकार से बढ़ा के 10 कर लो गाइस। ठीक है, 10 ही कर लेना पिक्स एकदम 10। ठीक है, इतना कर लोगे तो यहाँ पे देखिए गाइस फोटो के अंदर बॉर्डर लग गए। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना वो भी देख लो गाइस, तो यहाँ पे 12 सेकंड से लेके और यहाँ तक गाइस, यहाँ तक ये इफेक्ट लगा देना, इस बिटमार्क तक जितनी फोटो आ रही है सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको लगा भी देना है, और जो बॉर्डर मैंने बताया गया इस प्रकार से आपको बॉर्डर भी ऑन करना। फिर से एक बार और बता देता हूँ, तो ये वाली फोटो इस पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं, बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करके ऑन कर लें करना, और यहाँ पे इसको 10 कर लेना गाइस। ठीक, तो यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके अंदर आगे आना, यहाँ पे आपने काम पहले ही कम्प्लीट कर लिया था, अब आपको आ जाना इस बिटमार्क पे, 19.6 सेकंड पे आना, यहाँ पे देखिए ये वाली फोटो, अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको फिर से बैक आना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना, और जो लास्ट वाली फोटो है फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको आ जाना इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस,
यहाँ पे आ जाना आपको इस बिट मार्क पे 19.6 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, उसके अंदर इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो गाइस, 19.6 सेकंड से लेकर और गाइस जो लास्ट फोटो आपकी 25.4 सेकंड इस फोटो तक आपको ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस सभी फोटो के अंदर, ठीक है। फाइनल गाइस हमारा वीडियो यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड करना होगा गाइस 2G की, वो मैं बता दे दूँ कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 5 सेकंड पे आना है, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो गाइस और ये वाला वीडियो रहेगा, इस वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से अभी आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो को। इस वीडियो को एड करने के लिए वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा ये वीडियो तो ऐड हो गया गाइस, लेकिन ये वीडियो को फुल स्क्रीन करना अभी, ठीक है। तो इसी वीडियो फिर से क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या गाइस, यहाँ पे फोटो दिखना बंद हो जाएगी, तो अब आपको करना क्या है, इसी वीडियो फिर से क्लिक करना, ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पे क्लिक कर देना और यहाँ पे नीचे जाना और यहाँ पे लाइट एन पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक कर देना गाइस। देसी गाइस आप स्क्रीन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फोटो के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस ये वीडियो हमारे को यहाँ तक रखना गाइस, जो देखिए गाइस आप हमारी फोटो यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ तक हमारे को वीडियो रखना, तो इस वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट का हमारे को काटना पीछे का। तो पहले इस वीडियो को हम कॉपी कर लेंगे गाइस, क्योंकि आगे भी लगाना है, तो इसी वीडियो पे फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, और जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट काटना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा। अब आपको आगे चले जाना गाइस, आगे कहाँ लगाना गाइस वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इस बिट मार्क पे आ जाना और यहाँ पे आने के बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे भी लग गया और यहाँ पे भी दिखा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है जो कि एकदम यूनिक लग रहा है, और ये वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंड में, ठीक है। तो इस बिट मार्क पे आ जाएंगे हम एंड वाले पे और इस वीडियो पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाएगा। फाइनल गाइस हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है, एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, तो देखिए गाइस तो फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है। अभी इसके अंदर अपना एक छोटा सा लोगो लगा देना, अगर आपको लोगो नहीं बनाना आता तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखेगा, उस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आपको उस वाली वीडियो को देख के आप लोगो बना लेना और उसको ऐड करके अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना, तो इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो सेलेक्ट करना, उसके अंदर इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, उसके अंदर यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है इसको रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। अगर क्वालिटी का मत तो क्वालिटी को इस प्रकार से फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस, तो ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ये पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।